चलोत्रा अंबेडकर बेलवेल ट्रस्ट का एक कार्यकर्ता हमारे साथ, हम उधमपुर के जितने भी सोशल और सियासी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे साथ बैठे हैं सारे साथी। आज की जो प्रेस वार्ता है इस विषय पर है कि जो भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3 महीने 4 महीने हो गए लगातार शुरू होते हुए और आज जम्मू कश्मीर में इंटर हो रही है कल से, तो हम सभी साथियों ने एक निर्णय लिया है कि ये भारत जोड़ो यात्रा में जो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं उस पर उसी के तौर पर हम भी अंबेडकर वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से सभी साथी उधमपुर में भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करेंगे और जितने भी मौजूदा हालात जो खासकर इन लोगों के खिलाफ जा रहे हैं, चाहे वो लैंड एक्ट की बात करें, चाहे वो किसी भी किस्म की एट्रोसिटी, चाहे जिन मुद्दों पे जिस सरकार ने इलेक्शन लड़ी थी, आज वो मुद्दे कहाँ पा रहे हैं, आज ये सरकार कहाँ की ओर जा रही है, खासकर जिस तरह संविधान की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं उस पर जो राहुल गांधी जी ने बात करी है कि संविधान को बचाने के लिए हम जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और हमने जो हमें टारगेट मिला गया है कि हमने गुरु रविदास मंदिर, हमने सोचा कि राहुल जी को अंबेडकर चौक पर लेंगे, वहाँ पर उनको पुष्प अर्पित करेंगे, लेकिन हमें जो गाइडलाइन दी गई है कि आप गुरु रविदास चौक पे इनका स्वागत करेंगे और हम वहीं पर जितनी भी सभाएं जो है गुरु रविदास चौक पे उनका स्वागत करेंगे और वहाँ पे हम उनसे पैदल मार्च जहाँ तक हमें डायरेक्शन दी वहाँ तक जाएंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, जो लोग इस टाइम इन काले कानूनों से जो वंचित हो रहे हैं वो सभी लोग आएँ, सहयोग करें इस भारत जोड़ो यात्रा में, जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने कह दिया है, और हम भी इसी पे चलते हुए कल जो 24 तारीख को मंगलवार 1 बजे सभी लोग गुरु रविदास चौक पर इकट्ठे होंगे, वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे।